हरे कृष्णा। सो वी आर ऑन द 35th वर्स ऑफ द थर्ड चैप्टर ऑफ गीता विच गोज श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। इट इज फार बेटर टू डिस्चार्ज वन्स प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज इवन दो फॉल्टिली than another's duties perfectly. Destruction in the course of performing one's own duty is better than engaging in another's duties. For to follow another's path is dangerous. So we see, every person has two kind of duties. हर एक व्यक्ति के दो कर्तव्य हैं। एक है स्वधर्म, यानि The duties according to one's psychophysical nature. और दूसरा है परधर्म, duties that are required to be executed in Krishna's service. Psychophysical nature के हिसाब से duties क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। ये आठ जो विभाजन है वर्ण और आश्रम के, this is according to psychophysical nature. परधर्म क्या है? भगवान की सेवा करनी है। उस भगवान की सेवा के लिए जिस भी प्रकार से हमारा साइकोफिजिकल नेचर हमें इंस्टिगेट करता है, उस हिसाब से हम अपने आप को शांत रखेंगे और भगवान की सेवा करते रहेंगे तो जीवन बहुत आराम से सुखी हो सकता है। इसी हम सभी अपने अपने स्वभाव से बद्ध हैं। ये स्वभाव क्यों है? ये स्वभाव है गुण और कर्मों के दोषों के अनुसार। ये गुण और कर्म क्यों आए हैं? पिछले जन्मों के कर्मों का लेखा जोखा है। तो जब कल के थोड़े समय पहले के श्लोक में भगवान कहते हैं निग्रह किम करिष्यति, निग्रह क्या करेगा? यस, तो अगर हम भगवान की सेवा में अपने आप को संलग्न करेंगे और सेवा करने के लिए मन थोड़ा तो शांत होना चाहिए, इसीलिए वन एंगेजेस इन साइकोफिजिकल नेचर। सो अकॉर्डिंग टू वन्स ओन प्रीवियस कर्मास एंड द नेचर वन हैज गॉट, वन बिकम्स अ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र। इसीलिए भगवान, हम देखते हैं भगवद गीता में, क्यों अर्जुन से नहीं कहता है ठीक है भाई सब छोड़ छाड़ के आ जाओ हरे कृष्णा कर लो? नहीं, भगवान कहते हैं युद्धस्व विगत ज्वर, यस, अपनी आलस्य को छोड़ दो, युद्ध करो। क्यों? क्योंकि युद्ध ये तुम्हारा साइकोफिजिकल नेचर है। कैसे पता चले? हम देखते हैं जब अभिमन्यु को मारा गया, अभिमन्यु को मारने का समाचार जैसे ही अर्जुन को पता चला, तुरंत उस आपे में इन दैट हीट ऑफ सिचुएशन अर्जुन ने क्या प्रतिज्ञा ली? कल शाम तक मैंने जयद्रथ को नहीं मारा, मैं चिता बना लूंगा अपनी। अब क्या ब्राह्मण ऐसे फूक फाक के अपनी खुद की चिता ऐसे ही बनाएगा? नहीं, वो ब्राह्मण नहीं है, ये पूरा रजोगुणिक क्षत्रिय नेचर है। ये गीता सुनने के बाद, गीता सुनने के इतने दिन के बाद ये है। तो केवल अध्यात्म सुन लिया इसीलिए अंदर सब परिवर्तित हो गया? नहीं, वन मस्ट एक्ट अकॉर्डिंग टू वन साइकोफिजिकल नेचर। इसीलिए भगवान बताते हैं देखो अर्जुन, अपने कर्तव्य अपने साइकोफिजिकल नेचर के हिसाब से करते रहो। सो वी सी, इट इज अ वेरी एलिवेटेड कंसेप्ट वेरिन वन गिव्स अप वन साइकोफिजिकल नेचर एंड एक्ट्स अदरवाइज। हम देखते हैं जैसे विश्वामित्र क्षत्रिय बने लेकिन अंत में ब्राह्मण का कार्य किए, परशुराम जी ब्राह्मण बन के पैदा हुए लेकिन क्षत्रिय का कार्य किए। सो एट अ वेरी एलिवेटेड स्टेज वन इज एबल टू फोरगो वन साइकोफिजिकल नेचर। यस, सो जिस भी साइकोफिजिकल नेचर से आप अनभिभूत हैं उसके हिसाब से अपने कर्तव्य करते रहिए। भगवान कहते हैं कि ये कर्तव्य कैसे होने चाहिए, X30 हमने पांच श्लोक पहले जो देखा है, यस, निर्ममोह निरअहंकार, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रोप्राइटरशिप, विदाउट एनी फॉल्स ईगो, वन शुड कीप ऑन डूइंग वन्स प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी, अपने कर्तव्य किसी और के नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ बने रहिए। एंड ऑल्सो
we have the Gita Dan, the Gita distribution marathon going up. तो लगभग 15 दिन बचे हैं. इस समय में हम सभी प्रयास करते हैं भगवान की सुंदर गीता, जिसका लाभ आपको मिल रहा है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे. 15 दिन बचे हैं. मैं सभी श्रोताओं से निवेदन करूंगा, आने वाले 15 दिनों में 15 गीता बांटने का प्रण लें. एटलीस्ट 15 गीताज, 1 गीता पर डे. जैसे भगवान आपके जीवन में आ रहे हैं, वैसे ही भगवान को किसी और के जीवन में लाने में भी अपने आप अनायास मदद करें. इसीलिए इस्कॉन के सारे सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड गीता दान यज्ञ भी करते हैं. अगर आप अपने आप से गीता वितरित नहीं कर सकते, आपने यू कैन कॉन्टैक्ट योर नियरेस्ट सेंटर एंड रिक्वेस्ट देम, आई वॉन्ट टू डोनेट दीज मेनी गीताज, यू प्लीज अरेंज. यस, अगर आप अपनी तरफ से लक्ष्मी ट्रांसफर कर देंगे, वी विल मेक श्योर कि द सेंटर विल मेक श्योर, आप जिस भी सेंटर से कॉन्टैक्ट करते हैं, वो सेंटर विल मेक श्योर कि उतने लोगों को वो गीता मिले. दिस इज अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल अपॉर्चुनिटी. प्लीज मेक द बेस्ट ऑफ दिस टाइम. हरे कृष्ण. Krishna, Krishna, Krishna.